सब्सक्राइब करिए विदिश कुकिंग को और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिश कुकिंग। आज मैं आपके सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इसी टेस्टी और दिखने में बहुत ही डिफरेंट ऐसी मटरी की रेसिपी। इसे हम बेसन और मैदे से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही झटपट बन जाती है। और जब त्योहारों की सीज़न होती है तो ड्राई स्नैक्स हमेशा हम लोग को लगता है कि घर में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बना करके देखें, तो आज इसी तरह की एकदम खस्ता हम मटरी बनाएंगे, वो भी घर पे, और वो भी बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ में, पर फिर भी टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है और दिखने में तो अच्छी लगती है। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। सबसे पहले यहाँ पे एक बाउल में मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, नॉर्मल जो हम ऑल पर्पज़ फ्लावर यूज़ करते हैं वही वाला मैदा लिया है मैंने। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और अब मैं इसमें ले रही हूँ 1 टीस्पून अजवाइन, जिसको मैं हाथ से मसल करके डालूंगी। इससे बहुत ही अच्छा सा हल्का सा फ्लेवर आता है जो बहुत ही टेस्टी लगता है, और इसकी वजह से हमें खाने में भी बहुत अच्छा लगता है मटरी। और अब यहाँ पे 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ कसूरी मेथी, इसको भी मैं हाथ से मसल करके इसमें डाल दूंगी। और इन सबको हम बहुत ही अच्छे से एक बार सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छे से मिक्स करने के बाद में ही हम इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, तो यहाँ पे पहले मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल हमें कितना लेना है वो हर एक मैदे में अलग अलग जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल लेके इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आप इस तरह से दबा करके देखिए, एक मुट्ठी जैसा बंधना चाहिए। ये देखिए नहीं बन रहा है, तो मैं इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल और डालूंगी। जब भी हम ऑयल डालते हैं तो हमें ये चेक करना है कि इस तरह से जब हम मिक्स करते हैं अच्छे से मैदे में ऑयल, तो इस तरह से आटा लगाते हैं वैसा एक टेक्सचर होना चाहिए ऑयल के साथ में। ये देखिए परफेक्ट अच्छे से मुट्ठी हम बंद कर रहे हैं तो आटा हमारा अच्छे से स्टिक हो रहा है। तो इस टाइम पे अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक बहुत ही हार्ड डो लगा लूँगी। इसका सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, हमें इसका हार्ड डो लगाना है, जैसे हम पूरी बनाते हैं वैसा लगाते हैं वैसा वाला। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करूँगी और इसका बहुत ही अच्छा सा हार्ड डो रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए मेरा हार्ड डो इसका रेडी हो चुका है, तो इसको मैं ढक करके 5 से 10 मिनट साइड में रख दूंगी। और अब यहाँ पे दूसरे बाउल में मैं ले रही हूँ 1 कप नॉर्मल बेसन, जिससे हम चिल्ला बनाते हैं या कुछ भी जो पकौड़े बनाते हैं वही वाला बेसन है। उसमें मैं डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया जीरा पाउडर, और थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। अब इन सबको हम बहुत ही अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला, चाट मसाला भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवरफुल बनता है उससे भी। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। बेसन वाले में हमें बहुत ही ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, तो इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल ही डालूंगी। 1 कप में 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसको भी हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें भी मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और इसका भी एक हार्ड डो बनाएंगे, इसका हमें सॉफ्ट डो नहीं बनाना है। तो ये देखिए मैं बेसन का भी एक हार्ड डो लगा लिया है, तो इसको भी मैं साइड में रख दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए ढक करके। और ये देखिए 10 मिनट हो चुकी है, हमारा डो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से मसल लूँगी ताकि हमारा डो है वो अच्छे से चिकना हो जाए। आप देख सकते हैं मेरा डो बहुत ही हार्ड है और ऐसा ही हार्ड डो ही होना चाहिए। अब मैं इस डो में से 2 पोर्शन कर लूँगी, अगर आपने डो ज़्यादा लगाया तो आप उसके हिसाब से पोर्शंस अलग डिफरेंट कर सकते हैं। और अब दोनों पोर्शंस को इस तरह से हम लोहे के जैसे राउंड राउंड बना करके रख देंगे साइड में। और अब यहाँ पे जो मैदे का हमने जो डो बनाया था वो भी अच्छे से सेट हो चुका है, तो उसको भी मैं एक बार मसल करके अच्छे से रोल कर लूँगी और उसके भी सेम 2 पोर्शंस ले लूँगी। तो यहाँ पे 2 पोर्शन बेसन के और 2 पोर्शन हम मैदे के बना लेंगे। और अब हम इन चारों में से 1 पोर्शन लेके पहले बेल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेल रही हूँ मैदे वाला पोर्शन, और इसकी हमें एक पतली सी रोटी जैसा बनाना है, जितना पतला हो सके उतना, ट्रांसपेरेंट नहीं बनाना है, हमें मीडियम थिक बनाना है। बहुत ज़्यादा पतला बनाएंगे तो बहुत कड़क बन जाएगी, और बहुत ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो जब हम फ्राई करेंगे तो वो सॉफ्ट रह जाएगी, तो इसलिए हमें इसका मीडियम थिक रोटी जैसा बनाना है। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से बेल रही हूँ और बहुत ही अच्छे से निकल जा रहा है,
और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का मीडियम थिक ही रोटी रखना है। और अब मैं इसको रख दूँगी साइड में, और अब इसी सेम थिकनेस के साथ में हम बेसन की जो हमने लोई बनाई थी डो का, उसमें से भी सेम थिकनेस की, और हो सके तो सेम आप गोलाई का भी बनाइए ताकि दोनों जो रोटी है मैदे की और बेसन की वो एक जैसी बने। ये देखिए बेसन की भी मैंने बहुत ही अच्छे से बना करके रख दी है, और अब हम इसको अच्छे से करेंगे रोल। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैदे वाली जो रोटी हमने बनाई थी वो, और उसके ऊपर जो हमने बेसन का बनाया था वो रख देंगे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये सेट हो जाता है, और इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे ताकि जो बेसन है और मैदा है वो अलग अलग ना हो और बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाए एक दूसरे के साथ में। बहुत ज़्यादा बेल के हमें पतला नहीं करना, हल्का सा बेलना है ताकि ये दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से, और अच्छे से बेलने के बाद में अब हम इसे करेंगे रोल। आप चाहें तो ऊपर से भी रोल कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इस तरह से नीचे की साइड से रोल करती जाऊँगी। और इसका हमें एक टाइट डो लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रोल नहीं होना चाहिए अंदर। इस तरह से आप कॉर्नर्स चेक करते जाइए और इस तरह से रोल बनाते जाइए, बहुत ही ईजिली ये रोल बन जाता है। और एक बार रोल बनने के बाद में इस तरह से हल्का सा प्रेशर देते हुए इसको इस तरह से फैला लीजिए और अच्छे से रोल कर दीजिए ताकि हमारा जो रोल है वो बहुत ही अच्छे से बंध जाए। और रोल करने के बाद में अब हम इसको करेंगे कट। तो यहाँ पे आपको जिस थिकनेस की या जिस मोटी पूरी चाहिए उस हिसाब से, मठरी चाहिए उस हिसाब से कट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं कट करने के बाद में आप देख सकते हैं सिर्फ ये ही देखने में इतना अच्छा एकदम डिफरेंट लुक देता है। तो आप देख सकते हैं कि ये मठरी का जो रोल है वो बहुत ही अच्छे से इस तरह से हम कट कर लेंगे सारे, जैसे मैंने उस दिखाया था। ये देखिए हम मैंने सारे रोल को कट कर लिया है, और अब हम इसमें से एक पोर्शन लेके इसकी हम मीडियम थिक मठरी बेल लेंगे। आप चाहें तो ओवल शेप भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं नॉर्मल जो राउंड शेप आता है वो ही दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा बेलने की ज़रूरत नहीं है, हमें मीडियम थिक ही रखनी है, बहुत पतली भी नहीं और बहुत मोटी भी नहीं, इस मोटाई की रखनी है। और ये देखिए मैंने सारी मठरियों को इस तरह से बेल करके रख दिया, देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है। और अब यहाँ पर मैंने तेल को मीडियम फ्लेम पर ऑलरेडी गर्म करने रख दिया था, तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। मैं यहाँ पर छोटा सा पीस डाल के देख रही हूँ, आप देख सकते हैं ये परफेक्टली गर्म हो चुका है। तो इस टाइम पर मैं जितनी मठरी एक बार आती है आपकी कढ़ाई में, आप उतनी मठरी एक साथ में डाल करके इसको फ्राई कर सकते हैं। तेल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो तेल की वजह से मठरी कलर तो आ जाएगा पर वो सॉफ्ट रह जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा लो होगा तो मठरी में तेल पी जाएगा और उसकी वजह से जब आप मठरी खाओगे तो उसके मुँह में तेल तेल आएगा, एक करारापन नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था, और अब मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करूंगी, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना है। तो इस तरह से मिलाते जाएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, बीच बीच में इसको जरूर से हिलाते जाइए और इस तरह से पलट पलट के इसको हमें कुक करना है ताकि मठरी जो है चार सारी तरफ से अच्छे से कुक हो जाए, अच्छे से सिक जाए और अच्छे से उसका कलर सब जगह से एक जैसा आ जाए। और खस्तापन भी बहुत ही अच्छा आता है जब हम मठरी को अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं कुक कर रही हूँ, और ये देखिए सारी मठरी हमारी कुक हो चुकी है, कलर भी बहुत ही अच्छा सा आ चुका है और क्रिस्पी भी हो चुकी है मठरी। तो मैं इसको निकाल लूँगी एक टिश्यू पेपर पे, और इसी तरह से मैंने दूसरी जो मठरी बनाई थी उसको भी मैं फ्राई करने रख दूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो तैयार है हमारी एकदम डिफरेंट लुक वाली और एकदम खस्ता ऐसी मठरी। आप इस मठरी को चाय के साथ सर्व कीजिए या नाश्ते में रखिए, और दिवाली की सीज़न में, फेस्टिव सीज़न में ड्राई स्नैक्स घर में हो तो बात ही क्या। तो इस तरह का एकदम डिफरेंट लुक और डिफरेंट टेस्ट के साथ में बहुत ही सिंपल तरीके से आप एक ड्राई स्नैक घर पे भी बना सकते हैं, एकदम खस्ता मठरी बनती है इसकी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।